कई साल पहले चार घनिष्ठ दोस्तों ने एक ही स्कूल में एक साथ बोर्ड तक की पढ़ाई की। जहां वे रहते थे उस शहर में सिर्फ एक ही अच्छा होटल था। बोर्ड की परीक्षा खत्म होने के बाद उन चारों दोस्तों ने तय किया कि हमें उस होटल में एक साथ चाय नाश्ता कर कुछ पलों को साथ बिताते हुए उसे यादगार बनाना चाहिए। उन चारों ने मिलकर मुश्किल से 40 रुपए जमा किए। रविवार का दिन था। 10:30 बजे वे चारों साइकिल से उस होटल में जा पहुंचे। दिनेश, संतोष, मनीष और प्रवीण चाय नाश्ता करते हुए एक दूसरे से बातें करने लगे। कुछ देर बाद उन चारों ने सर्वसम्मति से यह फैसला किया कि आज से ठीक 40 साल बाद हम 1 अप्रैल को इस होटल में फिर मिलेंगे। तब तक हम सबको बहुत मेहनत करनी चाहिए और ये देखना दिलचस्प होगा कि जीवन में किसकी कितनी प्रगति हुई। जो दोस्त उस दिन सबसे बाद में होटल आएगा उसे ही होटल का बिल चुकाना होगा। उनको चाय नाश्ता परोसने वाला बेटर कालू ये सब सुन रहा था। उसने कहा कि अगर मैं यहाँ रहा तो मैं भी इस होटल में आप सबका इंतजार करूंगा। आगे की शिक्षा के लिए चार अलग अलग हो गए। दिनेश के पिता के ट्रांसफर होने पर वह शहर छोड़ चुका था। संतोष आगे की पढ़ाई के लिए अपने चाचा के पास चला गया। मनीष और प्रवीण को शहर के अलग अलग कॉलेजों में दाखिला मिला। कुछ वर्षों बाद मनीष भी शहर छोड़कर चला गया। दिन, महीने, साल बीत गए। बीते कुछ वर्षों में उस शहर में आमूल चूल परिवर्तन आया। शहर की आबादी बढ़ी। सड़कों, फ्लाईओवर, गगनचुंबी इमारतों ने बदल दी। शहर की सूरत अब वह होटल 5-स्टार होटल बन गया था। बेटर कालू अब कालू सेठ बन गया और साथ ही होटल का मालिक भी। 40 साल बाद निर्धारित तिथि 1 अप्रैल को दोपहर में एक लग्जरी कार होटल के गेट पर आई। दिनेश कार से उतरा और लॉबी की ओर चलने लगा। दिनेश के पास अब 3 ज्वेलरी शोरूम थे। दिनेश होटल के मालिक कालू सेठ के पास पहुंचा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। कालू सेठ ने कहा कि प्रवीण सर ने आपके लिए 1 महीने पहले ही एक टेबल बुक किया है। दिनेश मन ही मन सोच रहा था कि वह चारों में से पहला था, इसलिए उसे आज कबूल नहीं देना पड़ेगा। 1 घंटे में संतोष आ गया। संतोष शहर का बड़ा बिल्डर बन गया था। अब दोनों बातें करते हुए दूसरे मित्रों का इंतजार कर रहे थे। तीसरा मित्र मनीष 1/2 घंटे में आ गया। उससे बात करने पर दोनों को पता चला कि मनीष बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। तीनों मित्रों की आंखें बार बार दरवाजे पर जा रही थी। प्रवीण कब आएगा? इतनी देर में कालू सेठ ने कहा कि प्रवीण सर की ओर से एक संदेश आया है। तुम सब चाय नाश्ता शुरू करो, मैं आ रहा हूं। तीनों 40 साल बाद एक दूसरे से मिलकर खुश थे। घंटों तक हंसी मजाक चलता रहा, लेकिन प्रवीण नहीं आया। कालू सेठ ने कहा कि फिर से प्रवीण सर का मैसेज आया है। आप तीनों अपना मनपसंद मेन्यू देकर खाना शुरू करें। तीनों ने खाना खा लिया तो भी प्रवीण नहीं दिखा। बिल मांगते ही तीनों का जवाब मिला कि ऑनलाइन बिल का भुगतान हो चुका है। शाम के 8 बजे एक युवक कार से उतरा और भारी मन से निकलने की तैयारी कर रहे तीनों मित्रों के पास पहुंचा। तीनों उस आदमी को देखने लगे। युवक कहने लगा, मैं आपके दोस्त प्रवीण का पुत्र रवि हूं। पिताजी ने मुझे आप सबके आने के बारे में विस्तार से बताया था। उन्हें इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार था, लेकिन पिछले महीने एक गंभीर बीमारी के कारण
उनका निधन हो गया। उन्होंने मुझे आप लोगों से आज के दिन कुछ देर से मिलने के लिए कहा था, ताकि आप लोगों को ये तुरंत मालूम न पड़ जाए कि उनका निधन हो चुका है। उनका मानना था कि ये जानकर आप सबको बहुत दुख होगा और तब उनके दोस्त नहीं हंसेंगे। और वे इतने अरसे के बाद एक दूसरे से मिलने की खुशी खो देंगे, इसलिए उन्होंने मुझे देर से आने की सख्त हिदायत दी थी। उन्होंने मुझे उनकी ओर से आप सबको पैर छूकर गले लगाने के लिए भी कहा था। ये कहते हुए रवि ने अपने दोनों हाथ फैला दिए। आसपास के लोग उत्सुकता से इस दृश्य को देख रहे थे। उन्हें लगा कि उन्होंने इस युवक को कहीं देखा है। रवि ने फिर कहा कि मेरे पिता एक आदर्श शिक्षक बने और मुझे पढ़ाकर कलेक्टर बनाया। आज मैं इस शहर का कलेक्टर हूँ। सब चकित थे। कालू सेठ ने कहा कि अब 40 साल बाद नहीं बल्कि हर 40 दिन हमें हम अपने होटल में बार बार मिलेंगे और हर बार मेरी तरफ से एक भव्य पार्टी होगी। सभी ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। अपने सगे संबंधियों और दोस्तों से मिलते रहे। उनसे मिलने के लिए बरसों का इंतजार मत करें। जाने किसकी बिछड़ने की बारी कब आ जाए और पता भी नहीं चले। अपनों के हमेशा करीब रहें और उन्हें अपने साथ होने का भावनात्मक एहसास दें। क्या भरोसा है जिंदगी का, आदमी बुलबुला है पानी का।